नमस्कार, खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। मैं डॉक्टर सुभाषी साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग। मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग पूसा संस्थान। शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को मौसम के बदलते हालत में कृषि सलाह और सावधानियां एवं कृषि में उचित जल प्रबंधन की विस्तृत तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। हमारे लिए बहुत उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। प्रिय दर्शकों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 1 अप्रैल 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान के एवं विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, प्रश्नोत्तर एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष की भांति 1 अप्रैल को स्थापना दिवस व्याख्यान के साथ साथ विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे संस्थान के YouTube चैनल पर होगा। आप सभी से अनुरोध है कि YouTube चैनल के माध्यम से 1 अप्रैल को अवश्य जुड़े। किसान भाइयों, फरवरी में अचानक तापमान बढ़ने के बाद लगभग पिछले 2 हफ्तों से देश के कई राज्यों, खासकर उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तेज हवा, बारिश एवं ओलावृष्टि हुई है। अचानक हुए तेज बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों, खासकर गेहूं में काफी प्रभाव पड़ा है। मौसम के बदलते हालात को देखते हुए कई किसानों ने हमसे अगले कुछ दिनों के लिए कृषि सलाह मांगी है। किसानों को इस समय किन बातों का ध्यान रखना है बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर यादव जी एवं डॉक्टर दिनेश कुमार। किसान भाइयों, पिछले 2-3 हफ्तों से देश के विभिन्न विभिन्न भागों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश आने की वजह से गेहूं की फसल में गिरने की और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, जैसे अगर आपकी गेहूं की फसल मैच्योरिटी के नज़दीक थी या पकने के नज़दीक थी और वो बारिश और तेज़ हवा की वजह से गिर गई है या झुक गई है, तो आप उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि उसके अंदर थोड़ी नमी सूख लेने दें, तब आप उसकी हार्वेस्टिंग करें। जनरली जब थ्रेसिंग करते हैं तो गेहूं के अंदर 9 या 10% के आसपास या 9 से 12% के बीच में मॉइस्चर होना चाहिए। जितना मॉइस्चर कम होगा तो उसमें स्टोरेज लॉसेस कम होंगे। अगर आपने घर पे स्टोर करना है तो आप कम से कम मॉइस्चर या उसको बाहर सुखा के थ्रेसिंग के बाद तब स्टोर करें। एक दूसरा कंसर्न है कि जहाँ पे क्रॉप ग्रेन फिलिंग स्टेज में थी बट मैच्योर नहीं हुई थी, वहाँ पे कंसर्न है कि बारिश के साथ जब आपके ईयर हेड में या स्पाइक में या बाली में नमी बनती है तो उसके साथ करनाल बंट की इंसिडेंस आ जाती है और करनाल बंट से दाना काड़ा पड़ जाता है और उससे गेहूं की क्वालिटी का लॉस होता है। आपको उसकी कम प्राइस मिलती है मार्केट में, तो उसका बचाव करने के लिए आप कि यहाँ चाहिए वो करनाल बंट आई है या नहीं आई है, बट आप कोशिश कर सकते हैं। अगर जब आपके यहाँ नमी मेंटेन्ड है तो उसके मैं एक प्रोफाइलेटिक स्प्रे कर लें टिल्ट का 25 AC या प्रोपिकोनाजोल। इसका जनरली रिकमेंडेड डोज है 100 से 150 ml प्रति एकड़ 125 लीटर पानी में। तो उसमें करनाल बंट अगर जब आप उसके आने से पहले स्प्रे कर लेते हैं तो उसके आने की गुंजाइश कम रहेगी। तो जिन किसान भाइयों के गेहूं की स्टेज ऐसी थी कि भाई वो ग्रेन फिलिंग स्टेज में थी और अभी 15-20 दिन है मैच्योरिटी में, तो वो उसका स्प्रे कर लें ताकि उसके मां करनाल बंट की इंसिडेंस कम आए, इससे बचाव हो सकता है। दूसरा ये है कि जहां जैसे मान लो लेट सोन क्रॉप है, उसमें क्रॉप थोड़ी झुकी है या थोड़ा स्लाइट टिल्ट हुई है, तो वो जनरली 5-6 दिन के अंदर वो वापस खड़ी हो जाएगी, उसमें इतना कंसर्न नहीं रहता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें ये रिपीटेड जो इंसिडेंस हो रही है हाई रेन की और लोजिंग के लिए, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि भाई क्या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं जिसके वजह से कम नुकसान हो।
मैं पिछले 12 सालों से तकरीबन कंटिन्यूसली बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप जितनी कोशिश हो सके जीरो में बोएं, जीरो में बोएं, जीरो में बोएं। जनरली जीरो के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि जीरो उसको गिरने से बचा देगी, बट जीरो में गिरने की इंसिडेंस कम हो जाएगी और उसमें जो पानी भराव का इशू है वो भी कंपेरेटिवली कम रहेगा। तो आप अगर जो धान के बाद गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो जीरो में ही बोएं ताकि उसके अंदर पानी तुरंत उतर जाए बारिश, ज़्यादा बारिश के बाद, और तेज़ हवाएं चलें तो वो कम झुकें या कम गिरें, उससे नुकसान कम होगा। दूसरा एक इंटरवेंशन है जो आप लोग कर सकते हैं कि आप अपनी सोयल की बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हुए, अगर आपकी सोयल की बाइंडिंग कैपेसिटी कमज़ोर है तो उसमें ध्यान रखें कि आप ज़्यादा नाइट्रोजन ना डालें, आप अपने टारगेट को मिनिमाइज करिए। जैसे मान लो आपकी सोयल बाइंडिंग कैपेसिटी इतनी पुअर है कि आपको पता है वहाँ पर बार बार क्रॉप गिरती है, तो आप उस जगह पे आप टारगेट 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का ना लें, टारगेट थोड़ा कम रखिए, 55 के आसपास का टारगेट रखिए, उसके अनुसार नाइट्रोजन अप्लाई करिए। प्लांट की पॉपुलेशन थोड़ा सा कम रखिए, यूनिफॉर्म रखिए, कम रखिए, ताकि आपको आखिरी के अंदर इस तरह की इंसिडेंस में एक बचाव मिल सके। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पिछले 8-10 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में बरसात हुई है। ये बरसात कहीं पर हल्की हुई है, कहीं मध्यम हुई है और कहीं भारी हुई है। इस बरसात में कुछ स्थानों पर देखने में आया है कि ओलावृष्टि भी हुई है, साथ ही साथ तेज़ हवाएं भी चली हैं, जिसकी वजह से फसल को नुकसान हो सकता है। कुछ फसलें आपकी गिर सकती हैं, या जैसे सरसों की फसल है उसके दाने छिटक सकते हैं, तो नुकसान भी है, लेकिन दूसरी तरफ बरसात का फ़ायदा भी है। जैसे दूध अवस्था में मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल है तो उसमें आपको पानी नहीं लगाना पड़ेगा अगर बरसात अच्छी होगी, लेकिन साथ ही साथ जहां ज़्यादा पानी भर गया हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, सरसों की हो, सब्जियों की फसल हो, कोई भी फसल हो, जल निकास करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ जगह पर मान लीजिए आपकी सिंचाई की ज़रूरत है फसल को, तो उस सिंचाई को 2-4 दिन टाल दें। मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपने जो कृषि के क्रियाकलाप हैं उनको अपनाएं। इसी तरीके से कुछ फसलों में आपके कीड़े बीमारी इस समय आ जाते हैं, जिसके लिए किसान भाई छिड़काव करते हैं। ये जो छिड़काव होता है दवाइयों का या रसायनों का, इसको आपको हमेशा साफ मौसम में करना है। जब आपको पता लग जाए कि आने वाले 2 दिन में बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं है, तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बारिश आने वाली है तो आप इस तरह के छिड़काव को 2-3 दिन के लिए टाल दें। साथ ही साथ जो फसल आपकी जैसे चने की है, मसूर की है, मटर की है, या और कोई अन्य फसल जो पक चुकी है, उसकी आप व्यवस्था करें कि जल्दी से जल्दी आप उसकी कटाई कर लें। कटाई करते समय भी आपको मौसम का ध्यान रखना है। अगर मौसम में बरसात आने वाली है तो 1-2 दिन उस कटाई को टाल दें, और फिर सही मौसम होने पर तुरंत आप उसकी कटाई करें, और सुखाने के बाद उसको खलिहान में भी सुरक्षित रख सकते हैं, या किसी पॉलीथीन या कपड़े या किसी अन्य चीज़ से उसको अच्छे से ढक के रख सकते हैं, जिससे कि बरसात का उस पर कुप्रभाव ना पड़े। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस बरसात का हम फ़ायदा भी ले सकते हैं, ख़ास करके जो हमारी जायदकालीन फसलें हैं उनकी बुआई में। कई बार जायदकालीन फसलें किसान भाई लेते हैं, जैसे चारा है या उड़द और मूंग है या सब्जियों की फसलें हैं, उनमें आपको पहला पानी लगाना ही नहीं पड़ेगा। जो नमी आपको इस बरसात से मिली है, उस नमी की मदद से ही आप अपनी जो जायदकालीन फसलें हैं उनकी बुआई कर सकते हैं। जी, जल कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आदान है, जिसके बिना सफलतापूर्वक खेती की नहीं जा सकती है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग कृषि में सिंचाई के रूप में किया जाता है। विशेषज्ञों ने सदैव ही जल को उन प्रमुख संसाधनों में शामिल किया है जिन्हें भविष्य में प्रबंधित करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। कृषि में जल की महत्ता को देखते हुए संस्थान के जल प्रौद्योगिकी केंद्र में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में कृषि में उचित जल प्रबंधन एवं किसानों द्वारा कैसे त्वरित गति से जल प्रबंधन की तकनीकों को अपनाया जाए, इसके बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र के परियोजना निदेशक डॉक्टर पीएस ब्रह्मानंद। सबको नमस्कार। हम अभी विश्व जल दिवस को मनाने जा रहे हैं। इसका जो 22 मार्च 2023 में हम लोग इसको मनाने के लिए एक कार्यक्रम जागरूकता करने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को पानी की जो संकट है, जो हमारा जो पूरा विश्व में और मुख्य रूप में भारत में, उस पानी को कैसे हम अच्छी तरह से व्यवहार कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में, इस संदर्भ में हम जागरूकता करने के लिए हम एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसके अंतर्गत हमारा
प्रोफेसर रमेश चंद जी जो माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार का, उन्होंने एक मुख्य भाषण देंगे चीफ मुख्य अतिथि के रूप में। और इसको हमने वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर ICR IRA के अंदर में हम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इस वर्ष की मतलब 2023 की जो थीम है वो है कि कितने त्वरित हमें परिवर्तन लाना है कि पानी की जो समस्या को कृषि क्षेत्र में हमको सामने करने के लिए। तो इसी के अंतर्गत हम ये बताना चाहता है हमारा भारत में जितना इरिगेटेड एरिया है जैसे सिंचाई करने का, उसके साथ हमारा पास रेन फेड एरिया भी ज्यादा है। अभी आज की स्थिति में 50% रेन फेड है, 50% इरिगेटेड है हमारा नेट कल्टिवेटेड एरिया में। तो हम दोनों के क्षेत्र में कैसे हमको पानी के मैनेजमेंट करना है, जल प्रबंधन के बारे में हमको सबको जागरूक करने की आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से हमने ये करना चाहता है कि अगर वाटरशेड्स के अंदर में किसान भाइयों का जो समस्या है, जिसमें मुख्य रूप में जो बारिश आता है उसको अपना जमीन में कैसे इंसिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सकता है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेन रेन फेड एरियाज में जहां जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रहता है उनको फ्रेंडली वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज को उनके पास पहुंचाना है। और उसी के अंतर्गत हम लोग हरियाणा और पंजाब में ग्राउंड वाटर टेबल को माप के तो उसी के अंदर में हम योजना बना रहे हैं। और मुख्य रूप से जो राइस शुगर केन जो ज्यादा पानी ले लेता है उसकी स्थान में जो अल्प पानी लेने वाला फसल जैसा पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, या आपका आजकल हम मिलेट्स का जो इंटरनेशनल ईयर मना रहा है तो मिलेट्स हो जिसका कम पानी में इसको उगाता है, तो उसी को कैसे प्रमोट करना है, उसको पोटेंशियल जोन्स को आइडेंटिफाई करने में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर ICR IRA की तरफ से बहुत प्रयास होगा। भारत सरकार की जो जितना जी स्कीम है जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जो आपका जो किसान सिंचाई योजना, इसमें भी हम लोग टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और इसके साथ हम इरिगेटेड क्षेत्र में हम देखेंगे कैनाल इरिगेटेड कमांड्स में कैनाल ऑटोमेशन का कैसे हम आगे लेके जाना है, प्रेसिशन इरिगेशन कैसे करना है, और ग्राउंड वाटर जोन में जैसा ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम करके हम कैसे कंजंक्टिव यूज सरफेस वाटर से कंजंक्टिव यूज करके और वाटर एनर्जी का जो बैलेंस है उसको कैसे अच्छा मेंटेन करना है किसान भाइयों को, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। और मुख्य रूप में जो वेस्ट वाटर है तो इसको यूटिलाइज करने के लिए जो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर ने बहुत अच्छी तरह से इसके जो तकनीकी डेवलप किया है, तो उसमें क्या है कि अर्बन वेस्ट वाटर को कैसे हम व्यवहार करके उसको ट्रीट करके, पहले क्या है कि ऑर्गेनिक वेस्टेस को ट्रीट करने का था लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी में इवन मेटालिक वेस्ट को भी ट्रीट करके कैसे हम कृषि क्षेत्र में व्यवहार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। इसके साथ जो हमारा भारत में जो मुख्य समस्या है जैसा आपका लद्दाख रीजन से लेके आपका जो अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह में क्या क्या समस्या है, मुख्य रूप में जो एक्सट्रीम जो वाटर स्ट्रेस होता है जैसा कि फ्लड्स है, जो आपका जो ड्राउट होता है, तो इसको कैसे सामना करना है उसके लिए भी हमारे पास अच्छी टेक्निकल नॉलेज है और फर्दर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इसके साथ हम ये करना चाहते हैं किसान भाइयों के पास लेकर जाने के लिए हम लोग अच्छी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आयोजित कर रहा है और फर्दर भी हम लोग भविष्य में भी अच्छी तरह से त्वरित रूप में इसको करके इस वर्ष की जो संदेश है, जो थीम है उसका जो विश्व जल दिवस के अंतर्गत त्वरित परिवर्तन लाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो यही हम आप सबके साथ विचार व्यक्त करने के लिए हम खुशी से आपको बताना चाहते हैं। नमस्कार। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े समस्याओं का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से विनय जी ने आम की बोर के ना गिरने हेतु उपाय पूछा है। आम का फल जब सरसों के आकार का हो जाता है तो आप इसमें इमेडा क्लोरोपीड की 60 से 70 ग्राम मात्रा तथा गुलनशील सल्फर की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से बाल मुकुंद जी ने गेहूं के पत्तों में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन रस्ट दिख रही है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में छिड़काव करें। यदि समस्या फिर भी नहीं रुकी है तो 10 से 12 दिन में इसको वापस दोहराएं। उत्तर प्रदेश से शिवनाथ चौधरी जी ने आम में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो मिली बग नामक कीट का अत्यधिक प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु तुरंत कार्बोसल्फेन की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में छिड़काव करें।
ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मूली के पौधों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेडिस फ्ली बैटल का प्रकोप हुआ है। रासायनिक नियंत्रण हेतु मेलाथियोन की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 25 और 26 मार्च को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में तथा 26 और 27 मार्च को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्य वर्षा हो सकती है। 25 मार्च को उत्तराखंड, विदर्भ और तेलंगाना में तथा 26 मार्च को छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ कुछ स्थानों पर 26 और 27 मार्च को भारी बारिश हो सकती है। 25 से 28 मार्च के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्य बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में 29 से 31 मार्च के दौरान कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्य वर्षा हो सकती है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों, दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कारगर होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।